मैं हूं ब्रह्मानंद झा, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। खास खबर में आपका स्वागत है। नशे में धुत एक शख्स को ऐसी सनक सवार हुई कि वह शेर से हाथ मिलाने और उसको किस करने के लिए उसके बाड़े में कूद गया। वो तो भला हो चिड़िया घर के कर्मचारियों का, जिन्होंने मौके पर बहादुरी दिखा युवक को बचा लिया। शायद नशे की हालत में उसने यह कदम उठाया। घटना रविवार की है, जब हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक 35 वर्षीय शख्स अचानक अफ्रीकन शेरों के जोड़े के पिंजरे में घुस गया। शख्स का नाम मुकेश कुमार है और वह राजस्थान का रहने वाला है। मुकेश की इस हरकत पर जब वहां के दो कर्मचारियों की नजर पड़ी तो वे भाग कर गए और मुकेश को खींचकर बाहर निकाला। मुकेश शेरों से हाथ मिलाने और उनको किस करने की कोशिश कर रहा था, वह नशे में धुत था। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। जू के एक अधिकारी ने बताया कि मुकेश कुछ हफ्ते पहले ही शहर में आया है। उन्होंने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी वह शेर को किस करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने सोमवार को स्वदेशी आरियल VTD का सफल प्रक्षेपण कर लिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आरियल वी पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रवक्ता ने RLV-TD-HEX-1 के सुबह 7 बजे उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद बताया, अभियान सफलतापूर्वक किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ISRO की इस कामयाबी के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। यह पहली बार है जब इसरो ने पंखों से युक्त किसी यान का प्रक्षेपण किया है। यह यान बंगाल की खाड़ी में तट से लगभग 500 किलोमीटर की दूर पर उतरा। हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग कहलाने वाले इस प्रयोग में उड़ान से लेकर वापस पानी में उतरने तक में लगभग 10 मिनट का समय लगा। RLV-TD पुनः प्रयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का छोटा प्रारूप है। RLV को भारत का अपना अंतरिक्ष यान कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। उन्होंने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपने पहले इंटरव्यू समाचार टाइम से कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत एक हकीकत बन सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होंगे और राज्य में जीत हासिल करने वाले पार्टी को बाद में केंद्र की कमान संभालने के लिए होने वाले चुनाव में असर बढ़ जाएगा। यादव की समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में BSP, BJP और कांग्रेस से टक्कर मिलेगी। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस की हाल के समय में कई चुनावों में हार के लिए निंदा का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में पूछने पर यादव का कहना था, राहुल गांधी के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कोई पार्टी अपने नेताओं को मजबूत बनाना चाहती है तो उसे पहले जिम्मेदारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि SP ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और इससे उन्हें परिपक्व होने में मदद मिली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल बढ़ाने पर अभी तक सरकार ने माथापच्ची नहीं की है। इस बारे में फैसला अगस्त में हो सकता है। राजन का 3 साल का टर्म सितंबर में खत्म हो रहा है, यह जानकारी एक सरकारी अफसर ने दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उसका सरकार के फैसले पर कोई असर नहीं होगा। स्वामी ने इस लेटर में राजन का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया था। सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा कि फैसले पर राजन के दुनिया के सेंट्रल बैंकों के गवर्नर और इकोनॉमिस्ट के बीच स्टार के दर्जे का भी असर नहीं होगा। सरकार राजन के स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर और बैंकों पर बैंड लोन को लेकर सख्ती करने की भूमिका को सराहती है। हालांकि उसका यह भी मानना है कि लोन सस्ता करके ग्रोथ बढ़ाने पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारी ने बताया कि इंटरेस्ट रेट को लेकर सरकार की जो उम्मीद थी वह राजन से पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान से व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 2 दिन की यात्रा पर रविवार को तेहरान पहुंचे। उनकी इस यात्रा के दौरान राजनीतिक तौर पर अहम चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर साइन किए जाने की संभावना है, जो कि 13 साल से लटका हुआ है। जब पश्चिमी देशों ने ईरान से प्रतिबंध हटा लिए हैं तब इस करार के होने से भारत की बड़ी ऊर्जा जरूरतें पूरी होने की उम्मीद की जा रही है।
चाबहार दक्षिणी पूर्व ईरान का बंदरगाह है। इसके जरिए भारत को पाकिस्तान से होकर गए बिना ही अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मिल सकेगा। अफगानिस्तान के साथ भारत के नजदीकी सुरक्षा और आर्थिक संबंध है। भारत के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखने वाला यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह फारस की खाड़ी के बाहर स्थित है और भारतीय पश्चिमी तट से इस पर आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। जनवरी में ईरान से प्रतिबंध हटाए गए और उसके बाद से भारत इस करार को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। वक्त हो चला है छोटे सा ब्रेक का, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल ने कहां चुनाव जीतने का किया दावा कि बेटों को